मंगलाचरण। वंदेतु सर्व सिद्धे ध्रुवमचल मणुअवं गतिं पाते गोच्छामि समय पाहुडु सुद केवली भणिदं। पिछले व्याख्यान में आप में से एक प्रश्न पूछा था कि भाई हम कुछ नियत सीमा में यदि भक्ष्य वस्तुओं की एक सीमा बना लें, लिस्ट बना लें और उसके अनुसार ही यदि हम उनका सेवन करें तो कम पाप क्यों लगेगा, जबकि हम खाते ही उतनी हैं लेकिन लिस्ट नहीं बनाते हैं तो हमको संपूर्ण जिनका हम भोग नहीं कर रहे हैं उनका भी पाप क्यों लगेगा, ये प्रश्न पूछा था, है ना। उस प्रश्न का उत्तर यदि मैंने अपनी बुद्धि अनुसार थोड़ा बहुत दिया, मेरे पिताजी जैसा हमको समझाते थे वैसा भी दिया, है ना। उसी में मेरे को एक उदाहरण याद आया, वो और देता हूँ। जैसे आप बैंक में अपना पैसा रखते हैं और बैंक में जब पैसा रखते हैं तो दो तरीके से पैसा रखते हैं, एक तो आपका सेविंग अकाउंट में पैसा रहता है, एक आप उसको टर्म डिपॉजिट कर देते हैं। टर्म डिपॉजिट यानी फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं। आप फिक्स डिपॉजिट पर ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, है, और सेविंग अकाउंट पर कम इंटरेस्ट मिलता है। आप बोलोगे कि मैं सेविंग अकाउंट से पैसा निकालता नहीं हूँ, पता नहीं कभी काम पड़ जाए इसलिए मैं सेविंग में रखा है, लेकिन निकालता नहीं हूँ मैं। जितने समय एक साल की एफडी करते हैं तो एक साल तक पैसा निकालता नहीं हूँ तो मुझे क्यों नहीं उतना इंटरेस्ट मिलता है, है ना। ऐसा ऐसा लेकिन नहीं मिलता है, क्यों? क्योंकि निकालने की संभावना रहती है, सिर्फ संभावना रहती है। इसके कारण ही हम इतना नुकसान उठा लेते हैं कि जो इंटरेस्ट हमको फिक्स डिपॉजिट पर मिलना चाहिए वो वहां नहीं मिलता है। यही कारण यहां पर भी लागू होगा, चाहे हम उन अन्य वनस्पतियों को खाएं ना खाएं लेकिन उनकी यदि हम मर्यादा नहीं बनाते हैं तो खाने की संभावना बनी रहती, ना जाने कब कौन सी परिस्थिति पड़ जाए, कभी कहीं विदेश चले जाएं, कोई विदेश से आए कोई नवादा फल लेकर के आ जाए कि देखो ये फल देखा नहीं कभी, अरे देखो एक फल है, तो कहने का अर्थ संभावना रहती है, भले ही हम खाएं या ना खाएं लेकिन संभावना रहती है, उसकी वजह से वो फल हमको एक्चुअल नहीं मिल पाता। ये एग्जाम्पल मेरे को बाद में ख्याल आया था तो मैंने सोचा आपको बता देते हैं, ठीक है। अब इसके आगे की बात, अपने मूल विषय पर आ जाते हैं। समय सार का निर्जरा अधिकार चल रहा है और निर्जरा अधिकार में पिछली गाथाएं जो एक साथ आई थी जिनमें परिग्रह का नामोल्लेख पूर्वक विशेष त्याग करवाया था, विशेष त्याग करवाया था। हालांकि यहाँ चार बातें ली लेकिन आप और भी बातें ले सकते हैं, 16 गाथाएं बनाने की बात कही है आचार्य देव ने तो टीका में, टीकाकार ने, लेकिन ये जो परिग्रह संबंधी जो बात है वो वास्तव में बहुत गंभीर है। परिग्रह बाहर से दिखता है उतना नहीं है, वो अंतरंग में ही होता है। यदि बाहर से परिग्रह हो तो पशु पक्षी भी अपरिग्रही माने जाएंगे, नारकी अपरिग्रही माने जाएंगे, है ना, कितनी बड़ी समस्या हो सकती है। अथवा बाहर से परिग्रह मानने पर तीर्थंकर देव को भी परिग्रह मानना पड़ेगा क्योंकि उनके पास तो सुमोसरण आदि अनेक विभूतियां हैं, लेकिन बाहर से परिग्रह होने पर भी तीर्थंकर तो हैं अपरिग्रही है, और बाहर से परिग्रह नहीं होने पर भी पशु पक्षी नारकी ये सब परिग्रही है ना, तो ये कितनी बड़ी विचित्र बात है। ज्ञानी के बाह्य में भोग दिखाई देते हैं, भोग सामग्री दिखाई देती है, उनको भोगता हुआ भी दिखाई देता है, लेकिन अंदर में कुछ ऐसी चीज है जिसके बल पर वो अपरिग्रही बना रहता है। वही चीज को यहाँ निर्जरा अधिकार में समझाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, आचार्य देव बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो बात हमें किसी तरह समझ में आ जाए, है ना, ये बहुत अंतरंग की बात है। चलो देखो एक मिनट, क्या बताना वाला था मैं, हाँ चलो, हाँ चलो, ये जो एक कलश है वो कलश में शेयर करता हूं। पूर्व बद्ध निज कर्म विपाकात् ज्ञानिनो यदि भवत्युपभोग तद्भवत्यथ चराग वियोगात् नूनमेति न परिग्रह भावम्। ले कोई और ही है इसकी, लेकिन जैसा पढ़ा मैंने ऐसे, तो इसमें क्या कह रहे हैं, पूर्व बद्ध निज कर्म विपाकात्, निज यानी अपने, पूर्व बद्ध यानी पहले
बंधे हुए अपने जो कर्म है उनके विपाक से, यानी उदय से, विपाक यानी मैच्योर हो जाते हैं, उदय में आते हैं, उससे यदि ज्ञानी के जीवन में भवती उपभोग भोग हो, पूर्व कर्म के उदय से भोग होते हैं। देखो अरंत केवली के भी पूर्व कर्म, समझ रहे हैं, अरंत केवली के तो कोई वर्तमान में कर्म है नहीं, लेकिन पहले के कर्म, क्योंकि चार अघाती बाकी हैं, उनमें एक वेदनीय बाकी है और वेदनीय में साता, क्योंकि असाता तो कन्वर्ट हो जाता है साता में, थोड़ा बहुत बचता है। तो कहने का अर्थ क्या है कि उस कर्म के उदय से उनके जीवन में भी साता कर्म का उदय तो आता है, बंधता नहीं, वो बात अलग है ना। तो ज्ञानी के जीवन में भवती उपभोग, उपभोग तो होता है, तद भवतु अथ, या संधि विच्छेद करेंगे ना तो तू हो जाता है, वह की जगह ऊ आ जाएगा, भवतु, तद भवतु, वो तो हो, भवतु का मतलब हो तो हो, वो उपभोग हो तो हो, लेकिन उसमें राग वियोगात, राग की वियोग बुद्धि रहती है। ये जो कलश है अग्रिम गाथा की पूर्व भूमिका है, पहले भूमिका बना दी, अगली गाथा में क्या कहने वाले। राग वियोगात, उसमें राग बुद्धि नहीं होती, नूनमेति, यही कारण है कि वो परिग्रह भावम न, परिग्रह भाव नहीं होता, परिग्रह भाव नहीं होता उसमें, परिग्रहत्व नहीं कह सकते उसको, परिग्रह नहीं माना जाएगा, ये कह रहे। होई कर्म के उदय से ज्ञानी के जो भो परिग्रहत्व पावे नहीं क्योंकि राग वियोग। होई कर्म के उदय से ज्ञानी के जो भोग, ज्ञानी के जीवन में देखो क्या होता है कि जब कर्म प्रकृतियों का यदि सूक्ष्म वर्णन अपन पढ़ते हैं, मान लीजिए वो मठसार वगैरह के अनुसार, तो उसमें एक बात ये आती है कि जैसे जैसे इधर धर्म मार्ग में जीव आगे बढ़ता है, जैसे जैसे धर्म मार्ग में आगे बढ़ता है ना, तो उसके पहले के बंधे हुए जो अशुभ कर्म है वे भी शुभ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, एक तो ये होता है, और अशुभ कर्मों का फल कम होने लगता है, शुभ कर्मों का फल बढ़ने लगता है। इसलिए ज्ञानी के जीवन में शुभ कर्मों का उदय भी बहुत देखा जाता है, कभी कभी अशुभ का भी होता है, ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं होगा, ज्ञानी के जीवन में अशुभ कर्म भी हो सकते हैं लेकिन शुभ भी बहुत चांस रहते हैं। तो उन शुभ कर्मों के फल में उसे जो है अच्छा घर परिवार मिलेगा, अच्छे परिवार में वो जन्म लेगा, वहां पर भी भोग सामग्री मिलेगी। और देखो ये जो चक्रवर्ती के जो पद हैं ये सम्यक दृष्टि को ही मिलते हैं, सम्यक दृष्टि जीव ही इतना पुण्य कमा सकता है कि वो जो चक्रवर्ती बने हैं, सौधर्म इंद्र बने, ये सब कोई मिथ्या दृष्टि के भाग्य में है ही नहीं, वो चाहे जितना भी पुण्य कमा ले तो भी वो नहीं बन पाए। तो इसलिए सम्यक दृष्टि के जीवन में भोग तो नियम से मिलने की उम्मीद ही बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा है कहने का अर्थ, ठीक है। तो उसके जीवन में वो भोग रहेंगे लेकिन वो पहले के कर्म के उदय से हैं, और ज्ञानी उनको छोड़ना भी चाहे तो भी नहीं छोड़ पाता है क्योंकि तदन रूप उसकी भूमिका ऊपर उठी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि वो उनको अपना मानता नहीं, पर द्रव में एकत्व ममत बुद्धि छूट जाती है। त्याग करने के संदर्भ में ये कहते हैं कि तुम छोड़ दो भाई, पर द्रव को छोड़ दो, है पर द्रव को छोड़ना थोड़े ही है, पर द्रव तो स्वयमेव छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता है कि अच्छा स्वयमेव छूट जाता है तो क्या करें, कि अपना मानना छोड़ दो, शरीर को अपना मानना छोड़ दो, शरीर को मत छोड़ो, शरीर को छोड़ दोगे तो सुसाइड हो जाएगा, आत्महत्या हो जाएगी, कोई शरीर को छोड़ेगा नहीं, शरीर को छोड़ना है मुझे, शरीर को छोड़ना है तो आत्महत्या हो जाएगी, है ना। तो शरीर को छोड़ना छोड़ना नहीं है, बल्कि शरीर को अपना मानना छोड़ना, वही छोड़ना, ऐसे ही सब द्रव्यों के लिए है, सब द्रव्यों को अपना मानना छोड़ना है, द्रव्य छूटे न छूटे, कि अच्छा छूटे और न छूटे चलेगा, अरे बड़ी अच्छी बात कही, फिर तो फिर हम एक काम करते हैं, हम द्रव्यों को नहीं छोड़ते हैं, हम उनको अपना मानना जोड़ देंगे ना, ठीक है आप यही तो कह रहे हो, मानना छोड़ना है, वो मानना छोड़ देंगे बाकी द्रव्य रख लेते हैं, ऐसा नहीं होता है, मानना छोड़ दोगे तो स्वयं वो एक दिन छूट जाएंगे। छोड़ना नहीं पड़ता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं छोड़ना है, पर द्रव्यों को नहीं छोड़ना है, छोड़ना तो है लेकिन मान्यता में छोड़ना है, ये है।
तो ज्ञानी के जीवन में वो मान्यता में छूट चुके हैं, पर द्रव में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि खत्म हो गई है। देखो अधिकार भले ही निर्जरा का है, लेकिन जो बात पहले अधिकार में चालू थी वही बात घूम फिर करके किसी न किसी रूप में वही बात आ रही है। ये सातों तत्व, जो नौ तत्व पूरे, जो भी आप सात तत्व हैं वैसे मूल, तो वो सब घूम फिर करके एक ही बात कहते हैं कि पर द्रव में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व, ये चारों बुद्धि जब तक है तब तक अज्ञानी है। और चारों बुद्धि निकल गई, संवर भी शुरू हो गया, निर्जरा भी शुरू हो गई, बंध भी रुक गया है, आश्रव भी रुक गया और मोक्ष मार्ग भी शुरू हो गया, सब बातों का सारी जो ही ऐसी बात है। ठीक है, पूरब कर्म उदय रस भुंजे, ज्ञान मगन ममता न प्रयुंजे, पुर में उदासीनता लइए, यो बुद्ध परिग्रह वंत न कहिए। पूरब कर्म उदय रस भुंजे, पूर्व कर्म के उदय से रस माने जो भोग उनको भोगता है, भुंजे माने भोगता है, लेकिन फिर भी ज्ञान मगन ममता न प्रयुंजे, फिर भी वो अपने ज्ञान रूपी आत्मा में ही मगन रहता है और उन पर पदार्थों में ममता नहीं करता है। देखो ये कितनी विचित्र बात है, समझ ही नहीं आती है ऐसे कैसे हो सकता है। होता है, ऐसे होता है, हमारे साथ भी होता है, बहुत बार होता है। क्या होता है, एक बार दो दोस्त थे, तो दो दोस्त में से एक ने कहा चलो आज मूवी थिएटर में चलो, बहुत नई मूवी आई है वो देखने चलेंगे। तो दूसरे ने कहा यार मूवी तो फिर देख लेंगे, आज क्या है मंदिर जी में बहुत बड़ा अच्छा व्याख्यान होगा, कोई ज्ञानी आए हैं, मैं उनका व्याख्यान सुनना चाहता हूँ, तू मेरे साथ चल उधर। उन्होंने कहा नहीं नहीं यार आज तो मूवी चलेंगे हैं, और वो माना नहीं और ये भी नहीं माना। तो ये तो गया मंदिर में व्याख्यान सुनने के लिए और वो पहले वाला मित्र चला गया थिएटर में मूवी देखने के लिए। चले तो गए दोनों अपनी अपनी जगह, लेकिन मूवी में देखने वाला दोस्त सोच रहा था अरे मेरे भी भाग्य में क्या लिखा है, मैं कितना पापी हूँ, वो मेरा दोस्त तो बड़ा देखो कितना पुण्य कमा रहा होगा, कितनी ज्ञान की बात सुन रहा होगा, मैं भी देखो कैसा है, कोई बात नहीं कल देख लेता ना, वैसे भी मूवी अच्छी नहीं है ये तो बेकार। ऐसा उसको लग रहा था। और वो प्रवचन सुनने वाला वो सोच रहा था अरे यार वो मेरा दोस्त तो मजे कर रहा है उधर मूवी देख रहा है, हैं मैं कहाँ धर्म कर्म में पड़ गया हैं। अभी देखो बाहर से यदि किसी से भी पूछोगे, आप एक सर्वे ले करो ना, एक सर्वे लोगों से सर्वे करो, देखो ये दो दोस्त हैं इनमें से बताओ कौन धर्मात्मा, तो सारी की सारी दुनिया एक मत से कहेगी कि वो मंदिर में जो बैठ के सुन रहा है ना प्रवचन वो धर्मात्मा, और वो अधर्मात्मा वो मूवी देखता है। बताओ ऐसा है क्या, वो मूवी देखते हुए भी क्या गजब बात है, धर्म तो नहीं कहूंगा धर्म तो है ना, लेकिन मूवी देखते भी वो उसके जो है पाप बंध से उलझा नहीं है, और इधर व्याख्यान में बैठा हुआ भी पाप बंध कर रहा है कि नहीं, क्योंकि उसके मन में भोगों की इच्छा है, पास में भोग नहीं है लेकिन भोगने की इच्छा है, उसके कर्म बंध है, पास में भोग है भोग भी रहा है लेकिन इच्छा नहीं है तो नहीं भोग रहा है। कैसी गणित है, बड़ी विचित्र गणित है, ऐसी बात है ये। पूरब कर्म उदय रस भुंजे, ज्ञान मगन ममता न प्रयुंजे, पूर्व में उदासीनता लइए, भोगता तो है लेकिन उदासीनता से, जैसे मान लीजिए वो मूवी देख रहा है बाहर में और मूवी में कोई गाना भी आएगा, हीरो हीरोइन डांस भी करेंगे देखेंगे वो सब है, लेकिन उसमें उदासीनता मन में ये चल रहा अरे मैं कहा मेरे भी कोई कर्म पता नहीं कैसे, ऐसे उसके उदासीनता पूर्व में उदासीनता लइए, यो बुद्ध परिग्रह वंतन के, यही लिए इसी कारण वो बुद्ध यानी ज्ञानी परिग्रह वंत न कहिए, परिग्रह नहीं माना जाए, ऐसी विचित्र बात है, गजब बात। देखो अभी जस्ट मैंने कहा था ना कि अरहंत को भी फिर परिग्रह मानना पड़ेगा, ये बात आचार्य कुनकुन ने अपने दूसरे ग्रंथ प्रवचन सार में 45वीं गाथा में कही, इधर ही आया है आपके लिखा है अगले पेज पर, प्रवचन सार की 45वीं गाथा में ऐसा आता है कि अरहंत भगवान के पुण्य के फल में अक्षय वगैरह होते हैं, पुण्य फला अरहंता, ऐसी गाथा है वो 45वीं गाथा प्रवचन सार की। पुण्य के फल, अब उसका मीनिंग भी गलत करते बहुत लोग,
कुंड फला अरंता का मीनिंग ही गलत हो जाता है, लोग गलत मीनिंग निकाल देते हैं कि पुण्य के फल में अरंत बन जाते हैं, ऐसा मीनिंग निकालते हैं, फिर ऐसा नहीं है। अरंत भगवान के पुण्य के फल में अक्षय वगैरह जो होते हैं, देव आते हैं, अक्षय होते हैं, छत्र चमर अष्ट प्रात्यारी जो भी होते हैं, आहार विहार सब, आहार तो खैर नहीं हमारे दिगंबर में तो नहीं माना है, दूसरे मत में माना है तो, परंतु भगवान की वह औद्योगिक क्रिया क्षण क्षण में खिर जाती है, परंतु उनकी इसलिए उनकी उस औद्योगिक क्रिया को छाई की कहा, क्या मतलब समझ में आया इसका है? ये पूरी की पूरी एक गाथा है, सेपरेट प्रवचन सार में बड़ी महत्वपूर्ण गाथा है, उसमें एग्जाम्पल भी ऐसा दिया जिसका भी मीनिंग गलत निकालते हैं, मूल गाथा का मीनिंग गलत निकालते हैं, वो एग्जाम्पल मीनिंग भी बहुत गलत निकालते हैं। वो आज के जमाने में तो वो एग्जाम्पल देना बहुत खतरे से खाली नहीं, क्योंकि आज का युग है स्त्री सशक्तिकरण का युग, उसमें स्त्री के बारे में थोड़ा सा दूसरे वे में है कुछ, जाने दीजिए वो बाद की बात है अभी क्या है कि अरंत भगवान के पुण्य के फल में जो अच्छे होते हैं वे वैसे देखा जाए तो औद्योगिक क्रिया है, क्योंकि कर्मों के उदय से हुई है, लेकिन फिर भी उस क्रिया को औद्योगिक नहीं कह करके क्षयिक क्रिया कहा, क्योंकि वो क्षण क्षण में क्षय हो जाती है, रहती कहाँ है, अरंत उसको अपना मानते कहाँ है, इसलिए वो क्षयिक ही क्रिया है। अरंत के सब तो क्षयिक भाव है ना, क्षयिक दर्शन, क्षयिक ज्ञान, क्षयिक उपयोग, सब कुछ है ना, क्षयिक दान लाभ भोग उपभोग सब क्षयिक ही क्षयिक है, तो औद्योगिक कहाँ से होगा, औद्योगिक तो हम संसारियों के होता है, उनके तो वो क्षयिक है ऐसी उसी प्रकार यहाँ कहते हैं कि साधक अवस्था में जो जीव स्वभाव सन्मुख हुआ है उसे वर्तमान में रागादि भी होते हैं, परंतु वह राग की क्रिया उदय में आकर खिल जाती है, निर्जर जाती है, इसलिए ज्ञानी साधक के निर्जरा है यह अरंत भगवान की जो क्रिया होती है वो अबुद्धिपूर्वक होती है, बुद्धिपूर्वक नहीं होती, वो वाणी भी जो खिलती है उपदेश समोसरण में जो दिव्य ध्वनि वो भी अबुद्धिपूर्वक है, विहार भी अबुद्धिपूर्वक है, किस दिशा में जाएंगे कब विहार होगा ये सब भगवान अपने मन से सोच सोच कर नहीं करते, तो कैसे होता है ये प्रश्न होता है, फिर कैसे होता है, तो उसका उत्तर है भावि भागन वच जोगे बसाए तुम ध्वनि है सुनी भी भ्रम न साए। दौलत राम जी ने लिखा है कि दो कारण है उसके, एक तो भव जीवों का भाग्य, दूसरा भगवान के वचन योग का होना है, मन का इच्छा नहीं वचन योग का होना, ये दो कारण है। जिस एरिया के जीवों का भाग्य जग गया है उस एरिया में ऑटोमेटिक भगवान प्रस्थान करते हैं है, और उनका वचन योग खिलता है, कभी कभी वचन योग नहीं भी खिलता है, जैसे भगवान महावीर के साथ हुआ है, तो इस तरह से ये दो कारण है जिसके कारण से ऐसा होता है कहाँ जाएंगे क्यों जाएंगे ऐसा कोई प्लान नहीं होता है उनका पहले से है। देखो ये जो मध्य प्रदेश में एक तीर्थ है जिसका नाम है सोनागिर, सोनागिर तीर्थ है, वो सोनागिर तीर्थ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान चंदा प्रभु आठवें तीर्थंकर उनका समोसरण बार बार उसी जगह पर, बार बार उसी जगह पर 17 बार आया, 17 बार समोसरण इधर सोनागिर में आया ऐसा कहा जाता है। अब बताओ तीर्थंकर परमात्मा पहले से निश्चित तो करते नहीं कि इधर इधर जाना है, है? तो वो भव जीवों का भाग्य उधर के लोगों का ऐसा कुछ हुआ होगा जिसके कारण 17 बार तीर्थंकर देव उधर पधारे, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह से कहने का अर्थ यह है कि भगवान केवली को वाणी बोलने की क्रिया व गमन आदि जड़ की क्रियाओं का ही उदय है, जबकि साधक के तो रागादि है तथापि वे खिर जाते हैं अतः उसके निर्जरा है। भगवान के तो ये सिर्फ क्रिया ही की बात है, साधक के जो राग है ना वो भी खिर जाता है धीरे, उसमें बंधन नहीं होता, चिकनाई नहीं होती है। अभी तो क्या है अगली गाथा में यही कहेंगे वियोग बुद्धि, चलो मैं अभी बताता हूँ जो बात अभी आ रही दिमाग में वो अभी बताता हूँ। वियोग बुद्धि की बात करेंगे यानी राग नहीं है अनासक्ति है, ठीक है ना, ये बात कहेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है संस्कृत में स्नेह माने होता है तेल, राग राग माने स्नेह है ना, प्रेम राग स्नेह ये सब पर्यायवाची तो है, तो स्नेह माने होता है तेल, ऑयल, ऑयल लगा देते हैं किसी को तो वहां चिपकते हैं, धूल वूल चिपक जाती है, मान लो यहाँ तेल लगाओ धूल उड़ रही हो धूल चिपक जाती है ना, तो स्नेह माने होता है स्निग्ध, स्निग्ध शब्द तो जैसे सुना होगा
स्निग्ध कैसे बना, स्नेह शब्द से बना, जिसको तेल लगाओ वो स्निग्ध होता है ठीक है, तो जिसको बहुत राग हो वो भी स्निग्ध है। एक शब्द के दो मीनिंग है, स्नेह शब्द का एक मीनिंग है ऑयल तेल और दूसरा मीनिंग है राग, और स्निग्ध शब्द बना है स्नेह से, तो फिर उस स्निग्ध के भी दो मीनिंग होंगे, एक तो रागी और दूसरा जिसको तेल लगाओ वो, ठीक है दो मीनिंग हो गए। ये बंद बंद अधिकार में आएगी ये बात, अभी बता रहा हूं। तो क्या है कि जिसको तेल लगाओ उसके धूल लग जाती है, मान लो आप तेल लगा करके और शरीर को पूरा तेल मालिश करके और धूल भरी जगह में जाओ अखाड़े में मिट्टी के अखाड़े में तो पूरे शरीर पे धूल लग जाती है ठीक है। ऐसे ही वो जो स्नेह यानी राग जिसको लगा है वो समझो वो तेल लग रही है, आत्मा के तेल लग रहा है। यहाँ तो शरीर के तेल की बात है, वो आत्मा का तेल है राग, आत्मा के तेल लग गया, कौन सा डाला राग का तेल लग गया, इसलिए कर्म परमाणु चिपक जाते हैं। शरीर को तेल लगा है तो कर्म मिट्टी के परमाणु चिपकते हैं, और आत्मा के राग का तेल लगा है तो कर्म के परमाणु चिपकते हैं। ऐसा है, ऐसा आएगा बंद अधिकार की शुरू की गाथा है, सबसे पहली गाथा, जैसे ये निर्जरा अधिकार की पहली गाथा है ना, ऐसे ही ये बंद अधिकार जो आएगा अगला उसकी ये पहली गाथा में ये बात कहेंगे है, वो जोरदार तरीके से समझाएंगे और पांच लॉजिक देंगे, पांच लॉजिक में से चार को कैंसिल कर देंगे। सुनते ही एकदम ऐसा लगेगा अरे आज तक हम तो यही सोचते आए कि जीव हिंसा से बंद होता, हिंसा से बंद ही नहीं होता, ऐसे ऐसे सिद्ध कर देंगे वो है ना, देखो गजबान तो क्या कह रहे हैं कि उसके निर्जरा है, अनंत भगवान के उदय का निश्चित रूप से नाश ही होता है, इसलिए उसे छाई कहते हैं, और धर्मी के जो राग है वो निर्जरा जाता है, इसलिए निर्जरा है। धर्मी के निर्जरा है, अनंत के छाई क्रिया है, इस प्रकार से ये जो है ज्ञानी भोग भोगते हुए भी अपरिग्रह, ठीक है। अब इसके आगे 215 नंबर की जो गाथा है उसकी बात करते हैं। चलो 215वीं गाथा में आपको दिखाता हूँ, आ गई, एक मिनट जरा पहले निकालता हूँ, 215वीं गाथा, ये गाथा है उपन्नोदय भोगो वियोग बुद्धि ये तस्स सो निचम कंखा मणाग दस्य उदयसन को वदे नानी। उपन्नोदय भोगो, उत्पन्न उदय, उदय के उत्पन्न होने, उत्पन्न उदय यानी उदय आ गया, कहने का मतलब उदय आने पर जो भोग होते हैं, उदय आने पर जो भोग होते हैं उनमें वियोग बुद्धि, वियोग बुद्धि होती है तत्स यानी उस ज्ञानी के, सो यानी वह है, क्या क्या यही अर्थ है ना, तस्स सो निच्चम, निच्चम यानी सदा, जब कर्म का उदय आता है तब उन भोगों में उस ज्ञानी के वियोग बुद्धि रहती है नित्य, निच्चम यानी नित्य, सदा ही उसके वियोग बुद्धि रहती है, राग बुद्धि तो रहती नहीं है, है ना। ये तो हुई वर्तमान काल की बात है ना, दो तीन टेंस होते हैं ना, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो पास्ट की बात गाथा में नहीं आई, गाथा तो दो ही लाइन की है ना, और पास्ट की पूर्ण है भी नहीं क्योंकि पास्ट गुजर गया, खेल खत्म हो गया, तो इसलिए पास्ट की बात गाथा में तो नहीं है, लेकिन टीका में आएगी, आचार्य जो टीका ना उन्होंने ये पूर्ति कर दी है ना। तो लाइन में वर्तमान काल के भोगों को भोगते हुए भी ज्ञानी अपरिग्रही है, और दूसरी लाइन में कहेंगे कि भविष्य काल में जो भोग भोगेगा उनके अपरिग्रही, ऐसा कैसे, जब ऐसा देखो कंखा कंखाम अनागदस्य, अनागत अनागत फ्यूचर, अभी आए नहीं भविष्य में आएंगे, अनागत फ्यूचर के जितने उदय का, भविष्य काल के उदय की उसके कांखा यानी कांक्षा इच्छा वांछा न यानी नहीं कुबदे यानी करता नानी मतलब ज्ञानी, ज्ञानी भविष्य काल में मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए ऐसी भी उसके इच्छा नहीं है, इसलिए भविष्य काल के भोगों की भी उसके कोई बंद नहीं होगा, ये बात बता रहे है ना। मूल के एक एक शब्द का शब्दार्थ आ गया होगा समझ में, उदय गत जो भोग है उनमें भी योगी बुद्धि है, हर अनागत
भोग की सद ज्ञानी के कांक्षा नहीं। उदयगत जो भोग है उनमें वियोग बुद्धि है, वियोग बुद्धि माने एकत्व बुद्धि नहीं है, उसका अपोजिट वर्ड है ये, एकत्व बुद्धि का अपोजिट वियोग बुद्धि है। और अनागत भोग की आकांक्षा नहीं है। जो समय के आठ अंग होते हैं उन आठ अंग, पहला अंग तो निसंकित और दूसरा अंग क्या है, निकांक्षित। निकांक्षित का अर्थ है कि किसी भी प्रकार के भोगों की भविष्य में बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती। सुख बुद्धि तो खत्म हो गई ना, हमारी तो सुख बुद्धि है, मान लो पैसे मिल जाए कहीं से 1-2 लाख रुपए लगता है, अरे कुछ अच्छा हो गया, क्यों, क्योंकि तो उनमें सुख बुद्धि है। देखो कितना अंतर है हमारे अंदर, हमको लगता है कि अरे हम तो बहुत धर्मात्मा हो गए, चेक करना होता है, चेक बताओ सुख बुद्धि मिट्टी क्या, थोड़ी बहुत नहीं मिट्टी तो काय, यानी कि विषयों में जब तक सुख बुद्धि है तो धर्म बहुत दूर है, समझे, बहुत विचित्र बात है, बहुत विचित्र है। राग बुद्धि उसका नाम है अज्ञान। अज्ञान कहते किसे हैं कि जिसकी राग बुद्धि हो, एकत्व बुद्धि हो, वो अज्ञान है, जिसकी अनासक्त बुद्धि ज्ञान है, यानी अनासक्त है, जो अनासक्त। देखो ये बात अकेले यही नहीं है समझा, जो अन्य मत भगवत गीता में कहा है कि निष्काम योग, निष्काम कर्म, ऐसा नाम है ना वहां पर, निष्काम कर्म योग का मतलब है आकांक्षा नहीं, हल्की इच्छा मत करो, कर्म करते जाओ, ऐसा ऐसा कहते हैं। यहाँ तो करे कर्म भी कर्म भी मत करो, है ना, तो इस निष्काम कर्म योग की बात भी कही गई है दूसरी जगह पर। उसके बाद इसमें क्या समझाना था, हाँ तो दो हो गई। अब इसके नीचे का जो पैराग्राफ है वो अच्छा है इसलिए उसको पढ़ता हूँ। आज उस गाथा में यही बताना चाहते हैं कि भूतकाल के भोग तो गए, भूतकाल के तो खत्म हो, उनकी क्या बात है, काल के काल में समा गए माने खत्म हो गए, पर्याय उत्पन्न होकर के द्रव में समा गई। पहले जन अनादि काल में कितने भोग भोगे उनकी कोई बात ही नहीं, क्योंकि फल देकर मिल गया ना उनका, मान लो गलती की सजा मिल गई, फिर दोबारा सजा हो गया ना, हिसाब खत्म, फाइल क्लोज, तो पिछले फलों का तो कोई हिसाब खत्म हो गया। और वर्तमान के भोगों में वियोग बुद्धि होने से, वर्तमान और आगामी भोगों की चाह नहीं होने से ज्ञानी तीनों काल भोगों से विरक्त। वर्तमान एकत्व ममत्व नहीं है और अगले भोगों की कोई इसके नहीं है, मिल जाए तो ठीक, नहीं मिल जाए तो ठीक, इसको कोई लेना। तो अब बताओ तीनों कालों में वो अपरिग्रही सिद्ध हुआ, तीनों कालों में वो अनासक्त सिद्ध हुआ, ऐसा तीनों कालों का तो अपन थोड़ा मोटा मोटी बोल लेते हैं, वास्तव में दो ही काल, भूतकाल में तो आसक्त था वो लेकिन इसलिए अनासक्त बोल दिया, उसका फल मिल चुका उसे, ठीक है, मिल चुका। देखो क्या है, भूतकाल के भोगों से भी उसको अनासक्त कह दिया, परिग्रही कह दिया, लेकिन कभी कभी हम ऐसे देखते हैं ना, कोई आदमी कहे अरे वो पुराने दिन तो बहुत अच्छे थे, अरे आज से 10 साल पहले वो फला की शादी में गए थे, वहां कितना बढ़िया खाना खाया था, वैसा खाना तो आज तक नहीं खाया, वो याद है आज तक, ऐसा ऐसा कोई कहे तो इसका मतलब पूर्व भोगों में भी आ सकती है, हैं पहले की चीज को भी यदि स्मरण करे तो इसका मतलब अभी उसकी राग बुद्धि उसमें बनी हुई है। ये तो परद्रव का स्वाद है ना, परद्रव का स्वाद है और वो इसलिए अच्छा लग रहा है कि अभी तक अतींद्रिय स्वाद चखा ही नहीं है, इसलिए अच्छा लग रहा है, ठीक है। अनागत उपभोग तो ज्ञानी के वांछित ही नहीं है, क्योंकि ज्ञानी के ये आएगी बात इसमें अगले, शायद 2-4 गाथा, ये मुझे लग रहा है पूर्व भूमिका तैयार हो रही है, अगली 2-4 गाथा में एक प्रकरण ऐसा आएगा जिसमें सम्यक दृष्टि के 8 अंगों के बारे में आएगी बात, सम्यक दृष्टि के संकित, निकांत, निर्विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, ये जो 8 अंग है ना उनकी ये गाथाएं आएंगी आगे, उसकी भूमिका चल रही है। क्योंकि ज्ञानी के अज्ञान में भाव रूप वांछा का अभाव है, इसलिए अनागत कर्मोदय जन उपभोग ज्ञानी के परिग्रह रूप नहीं है,
समझ में तो आ रही होगी सर, एकदम सरल है और ज्यादा रिपीटेशन भी होने से ठीक है, क्योंकि ये बात में रिपीटेशन की जरूरत लगती है थोड़ी सी, है ना। आचार्य जयसेन, वियोग बुद्धि का अर्थ हेय बुद्धि करते हैं, हेय बुद्धि कहो वियोग बुद्धि कहो या एकत्व बुद्धि का अपोजिट कहो, एक ही बात है। अब जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ वो भी पढ़ देता हूं, देखो क्या कह रहे हैं। अतीत कर्मोदय उपभोग तो व्यतीत ही हो चुका है, हमने अनादिकाल से कितनी आसक्त बुद्धि की, उसका फल नरक निगोदों में खूब तो भोग लिया और क्या बार बार भोगेंगे है, तो व्यतीत हो गया। अनागत उपभोग की वांछा नहीं है, आगामी उपभोग की उसकी इच्छा नहीं है, चाहे कोई कितना भी कुछ दिखाए लेकिन उसको बिल्कुल भी दृढ़ रहता है ऐसा है ना, ऐसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आएगा इसमें अगले पैराग्राफ में आएगा तभी बताता हूँ। हाँ, भोग की वांछा क्या है, क्योंकि यानी जिस कर्म को अहित रूप जानता है उसके आगामी उदय के भोग की वांछा क्यों करेगा, है ना, क्योंकि हित रूप नहीं जानता ना उसको, कर्मों को हित रूप नहीं जानता, भोगों को हित रूप नहीं जानता, है ना, अहित रूप जानता है, तो जो अहित है उसकी वांछा क्यों करेगा, बताओ। हम भी कोई वांछा ऐसे करते हैं क्या कि अरे मेरे पे विपदा आ जाए, ऐसे थोड़ी होता है, हम तो अच्छा अच्छा ही चाहते हैं, तो वो ज्ञानी को ये पता चल गया अरे ये तो अच्छा नहीं है, तो नहीं है तो फिर वो चाहता ही नहीं ऐसे। वर्तमान उपभोग के प्रति राग नहीं है, क्योंकि वह जिसे हे ही जानता है उसके प्रति राग कैसे होगा। इस प्रकार ज्ञानी के जो त्रिकाल संबंधी कर्मोदय का उपभोग है वह परिग्रह नहीं है, ज्ञानी वर्तमान में जो भोग के साधन एकत्रित करता है वह तो जो पीड़ा नहीं सही जा सकती उसका उपचार करता है। ये बात पहले बताई थी ना, पहले बताई थी कि ये जो कर्म होते हैं वो पीड़ा कैसे देखो, ये चित्र दिखाया था मैंने आपको, है ना, ये चित्र में क्या देख रहे हैं आप कि असाता वेदनी के कारण तो भूख लगी, फिर वीर्यांतराय कर्म का ज्यादा शोषण था नहीं तो सहन नहीं कर पाए भूख को, फिर चारित्र मोह के कारण इच्छा हुई कि चलो लाओ इसको बीमारी को मिटा लेते हैं, तो ये जो है एक प्रकार से वो मजबूरी में भोग भोगता है लेकिन वास्तव में मन से भोग नहीं भोगता है, जो मन से भोग भोगता है वो कर्म बांधता है, जो जितने ज्यादा मन से भोगेगा उसको उतने कर्म बनेंगे, जो कम मन से भोगेगा उसको कम कर्म बनेंगे, ये है कर्मों का सिद्धांत। ये भी बात मुझे बतानी थी लेकिन चलो ये वाली देखो, तीनों काल में ज्ञानी के, अरे ये अज्ञानी लिख दिया गलती से, हाँ अज्ञानी को ज्ञानी कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ, ये हो गया ज्ञानी अज्ञानी। तीनों कालों में ज्ञानी के भोग नहीं है, अतः निर्जरा है, अतीत हो जाने से भूतकाल में भोग नहीं, क्योंकि वो अतीत हो गया, अनासक्ति होने से वर्तमान में कोई भोग नहीं माने जाएंगे, आकांक्षा नहीं होने से भविष्यकाल के भोग नहीं माने जाएंगे, तीनों काल में उसके भोग नहीं है, भोग होते हुए भी अपरिग्रही है इसलिए उसके निर्जरा। यदि आपको लगता है कि परिग्रह मिट जाए तो हम वो है निर्जरा, तो ठीक है परिग्रह मिट गया ना उसका, सामने दिख रहा है तो क्या हुआ, मिट गया अंदर से मिट गया ऐसा है इसका, ठीक है। तो अब इस प्रकार ये जो बात समझ में आई गई होगी, ज्यादा तो है क्या लेकिन फिर भी एक दो पैराग्राफ तो है काम के, पढ़ देता हूँ। यहाँ वियोग बुद्धि का अर्थ है संबंध बुद्धि, पर द्रव्यों में संबंध कर बना लेते हैं, ये मेरा है, मैं इसका हूँ, मैं इसका कर्ता भुगता हूँ, ये संबंध बुद्धि ठीक है का न होना, संबंध बुद्धि का न होना ठीक है, एकत्व बुद्धि का न होना। कहा ज्ञानी के राग में एकत्व बुद्धि नहीं है, राग में राग तो होगा लेकिन राग में एकत्व बुद्धि नहीं, राग भूमि के अनुसार होता है क्योंकि राग तो दसवें गुण स्थान तक होगा, ज्ञानी तो चौथे में ही हो गया पर राग दसवें गुण स्थान तक होगा, तो उसके वो राग होगा वो भूमि के अनुसार है ना लेकिन उसमें एकत्व बुद्धि नहीं होती, इस कारण ज्ञानी के वर्तमान भोग का परिग्रह नहीं है, जहां राग का परिग्रह नहीं वहां पैसा आदि के परिग्रह की क्या बात करें, अनासक्त ना वियोग बुद्धि है ना ज्ञानी के। अच्छा देखो हम मोक्ष मार्ग में चलना चाहते हैं, मोक्ष में क्या होता है वितरागता आ जाती है, पूरी तरह से वितराग हो जाते हैं, तो जो वितरागता का मार्ग है उस पे चलते हुए रास्ते में थोड़ी बहुत राग कम नहीं हुआ तो फिर क्या फायदा,
राग तो कम होगा ना भूमिका अनुसार, जैसे जैसे गुणिष्ठान आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे राग कम होगा ही होगा, ये है राग। अनागत अर्थात भविष्य के भोग उपभोग की वांछा भी ज्ञानी के नहीं होती, क्योंकि उसे भविष्य में तो एकमात्र एकाग्रता की पूर्णता रूप मोक्ष की ही वांछा है। ये लाइन पे मैं रुका क्यों, क्योंकि आप कहोगे कि अरे वांछा नहीं है नहीं है, ये तो पढ़ाते पढ़ाते आप कह रहे हो उसकी वांछा है, आप तो कह रहे हो मोक्ष की वांछा है उसके आप तो कह रहे हो वांछा नहीं होनी चाहिए लेकिन वांछा है, मोक्ष की इच्छा है ना उसके, तो वांछा हो गई सिद्ध, ऐसा समझ गए ना आप। लेकिन देखो मोक्ष की वांछा का अर्थ समझे, सभी वांछाओं से मुक्ति वो है मोक्ष की वांछा, समस्त वांछाओं से मुक्ति की वांछा उसका नाम है मोक्ष की वांछा, यानी कोई वांछा नहीं चाहिए उसका नाम मोक्ष की वांछा, ठीक है इसकी वांछा। ज्ञानी के अज्ञान में भाव रूप वांछा का अभाव होने से, वांछा माने अज्ञान, तो अज्ञान तो है नहीं क्योंकि ज्ञानी बन गया वो, ठीक है इसलिए अभाव होने से वांछा का अभाव, वांछा माने इच्छा, इच्छा का अभाव होने से अनागत अनागत कर्मोदय जन्य उपभोग का परिग्रह नहीं है। भविष्य में जो कर्मोदय से कर्मोदय का उदय आएगा तो भोग सामग्री प्राप्त होगी, फिर प्राप्त होगी तो भी वो परिग्रह में काउंटिंग नहीं होगी। जहां उसे राग का परिग्रह नहीं है वहां लक्ष्मी कीर्ति या चक्रवर्ती का वैभव भले हो पर उसमें उसकी पकड़ कैसे हो सकती है। इस प्रकार ज्ञानी के तीनों काल संबंधी उपभोग परिग्रह पने को प्राप्त नहीं होता। चक्रवर्ती की संपदा इंद सरी के भोग, काग बीट समगिनत है सम्यक दृष्टि लोग, है चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सरी के भोग, इंद्रों का जैसा भोग और चक्रवर्ती की संपदा उसको कैसे गिनते हैं, काग बीट कौवे की बीट कौवे की होती है ना मल, कौवे की बीट, ये एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि कौवे की बीट किसी काम की नहीं होती कहते कि दूसरे पक्षियों की बीट का कभी कोई उपयोग दवाई वगैरह में हो भी जाए लेकिन इसकी बीट का तो उपयोग बिल्कुल ही नहीं होता है, यानी कि वो चक्रवर्ती के भोग ये सब चीजें उसके जीवन में यानी उसकी दृष्टि में बिल्कुल निस्सार हो चुकी है, क्योंकि उसकी दृष्टि तो कुछ चैतन्यमय आत्मा पर चली गई है जिसके आगे ये सब निस्सार, क्योंकि अपोजिट स्वभाव है ना उनका, ऐसा भी नहीं कि इनमें कम सुख हो आत्मा में ज्यादा सुख हो, यदि ऐसा हो तो फिर वो कौवे की बीट नहीं बोला जा सकता, यानी कि वो आत्म स्वभाव से एकदम अपोजिट है, विपरीत स्वभाव की है, इसलिए उसने कहा ये कोई काम के लिए एक संस्कृत की देव स्तुति उसमें भी ऐसा कुछ आता है, कुछ भूल रहा हूँ क्या, कुछ इस तरीके का आता है वो, जिन धर्म विनिर्मुक्तो है माँ भवे चक्रवर्त्यपि और स्याच्चेटोपि दरिद्रो भी जिन धर्मानुवासित, आ गया याद पूरा श्लोक ऐसा कुछ है, उसका मतलब ये है कि मेरे को जिन धर्म मिले भले ही मैं दरिद्र बन जाऊं चलेगा, लेकिन अगले जन्म में कभी भी मुझे जिन धर्म बना रहे दरिद्रता भी चलेगी, और कोई कहे कि देखो तुमको चक्रवर्ती बनना मंजूर है तो बना सकते हैं बन जाओगे, लेकिन तुमको वहां जिन धर्म नहीं मिलेगा, बोलो बनना ही क्या कि नहीं नहीं बनना है, ऐसा ऐसा अर्थ है इस श्लोक का कि चक्रवर्ती बनना हो और बिना जिन धर्म मिले बनना मिले मौका तो वो मुझे मंजूर नहीं, जिन धर्म के बिना तो चक्रवर्ती बनना भी मंजूर नहीं है, और जिन धर्म मिले भले ही मुझे दरिद्र भी बनना पड़ेगा तो बन जाऊं, ऐसा ऐसा भावार्थ है। एक भक्त भगवान के सामने ये इच्छा प्रकट कर रहा है कि मुझे ये ही धर्म मिले, यही बातें मिले, धर्म का मतलब वो संप्रदाय संकीर्णता ऐसा नहीं समझ लेना, धर्म माने आत्म स्वभाव वो मिले सम्यक दर्शन मिले, सम्यक दर्शन मिलके भले ही दरिद्र कुल में भी मिले जन्म तो कोई दिक्कत नहीं, दुख नहीं होगा, मोह का दुख है, दरिद्रता का दुख नहीं है, मोह का दुख वो दुख नहीं मिले, समझ में आई नहीं आई बात। एक बात और बढ़िया सी बताता हूँ, देखो आज ही मेरे दिमाग में बैठे बैठे दिन में आई थी बात। देखो दो तरीके की चीजें होती है, एक होती है मात्रात्मक एक होती है गुणात्मक, हिंदी के शब्द थोड़े कठिन पड़ते हैं, अंग्रेजी में इनको थोड़ा
क्वालिटी और क्वांटिटी ऐसा कुछ नहीं, एक होती है क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव, है ना। तो ऐसा समझो कि जो सम्यक दृष्टि होते हैं ना उसके जीवन में क्वांटिटी बहुत हो सकती है परिग्रह की, बहुत परिग्रह हो सकता है, ये भी ये भी ये भी ये भी खूब हो सकता है, लेकिन उसमें राग की जो क्वालिटी है परिग्रहत्व परिग्रहपना उसकी क्वालिटी कमजोर रहेगी। इसका मतलब उन परिग्रहों के प्रति लगाव है आसक्ति है वो कमजोर है, आसक्ति कमजोर है, परिग्रह बहुत है। देखो आसक्ति आसक्ति के निमित्त या विषय उनकी क्वांटिटी बहुत है लेकिन आसक्ति की क्वालिटी कमजोर है, समझिए। अब मिथ्या दृष्टि के साथ उल्टा है, वहां उल्टा मतलब वहां भले ही क्वांटिटी बहुत कम हो सकती है क्योंकि उसके पास तो चार से साधन है और है क्या घर में थोड़े कपड़े लत्ते हैं थोड़े से ये बर्तन भांडे सब है क्या, ज्यादा तो नहीं होगा, एक घर होगा दो होगा ऐसा ठीक, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी क्वालिटी राग की क्वालिटी यानी आसक्ति वो तीव्र है मजबूत है, समझ गए ना। तो अब समझना ये एग्जाम्पल से क्या निष्कर्ष निकला, इसके ये निष्कर्ष निकला कि यदि किसी के पास 96,000 रानी भी हो, किसी के पास 6 खंड की विभूति भी हो, तो भी उसका जो राग है वो कमजोर है, है ना। और किसी के पास कुछ भी नहीं है थोड़ा बहुत है लेकिन तो भी राग तो मजबूत हो सकता है ना। तो यानी कि परिग्रह की मात्रा से पता नहीं चलता है कि कौन कितना पापी है और कितना धर्मात्मा है, परिग्रह की मात्रा से पता नहीं चलता है, वो जो उसके अंदर राग बुद्धि है ना उससे पता चलता है वो कितनी राग बुद्धि, जितनी मात्रा में राग बुद्धि है उतने उतना कर्म बंधन है और जितनी मात्रा में राग की बुद्धि नहीं है वियोग बुद्धि है उतनी उतनी मात्रा में निर्जरा है। ये बात यहां समझाई जा रही है। देखो सारांश यह है कि ज्ञानी के जो भूत वर्तमान भविष्य संबंधी कर्मोदय का भोग है वह परिग्रह नहीं है क्योंकि ज्ञानी के ज्ञान व आनंद की ही भावना है राग की भावना नहीं है। वो तो ये चाहता है कि मैं आत्मा में जाऊं, वो तो उसकी भूमिका ऐसी है कि वो बार बार जल्दी नहीं जा सकता, चौथे गुण स्थान में फ्रिक्वेंसी कम है आत्मा में जाने की, पांचवें गुण स्थान फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, है? और छठवें सातवें को एक मानो तो हर अंतर मुहूर्त में आत्मा में जाता है ना, ऐसा समझो। तो फ्रिक्वेंसी जैसे जैसे गुण स्थान बढ़ता बढ़ जाती है, फिर आठवें से तो वो कंटिन्यू फिर ध्यान में ही रहता तो इस तरह से वो तो उसकी भूमिका कमजोर है लेकिन चाहता वो आत्मा का ज्ञान आनंद है, भोग नहीं चाहता, ठीक है। इससे ज्ञानी को तीनों काल संबंधी उपभोग का परिग्रह प्राप्त नहीं होता। अब कहते हैं कि ज्ञानी जो वर्तमान में उपभोग की साधन सामग्री एकत्रित करता है साधन एकत्रित करता है चौथे गुण स्थान में ना, चौथे गुण स्थान में कमाने जाता है, इच्छा पैसा कमाता है, नौकरी करता है, परिवार पालता है, सब करेगा वो करता है। वह तो अपनी वर्तमान अक्षय पीड़ा का इलाज मात्र है, वह भी निमित्त की मुख्यता से विचार करें तो अन्यथा बाह्य साधनों को भी कौन मिलाता है। अब थोड़ी और थोड़ी बात एक पॉइंट आगे बढ़ा दिया, वो करता तो है लेकिन मन में ये भी जानता है कि मेरे करने से नहीं होगा, हर द्रव अपने करने से थोड़ी होता है, मेरे भाग्य में होगा तो होगा ना, मेरे करने से थोड़ी होगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा ऐसे, ठीक है। वह भी निमित्त की मुक्तता से विचार करे तो अन्यथा बाह्य साधनों को भी कौन मिलाता है, है? ये अगले अधिकार में शुरू में ये बहुत दावे के साथ में समझाने वाले, एकदम दावे के साथ कि कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता, दुखी नहीं कर सकता, मार नहीं सकता, बचा नहीं सकता, ऐसा जोरदार ठोक बजा के बिठा देंगे दिमाग ऐसा। बाह्य साधनों को भी कौन मिला सकता है, वर्तमान कमजोरी के कारण उस प्रकार का राग आया है, इस कारण साधन जुटाने का प्रयत्न करता है। वो वर्तमान कमजोरी है, राग भाव आया, वियोग बुद्धि तो है लेकिन संपूर्ण वियोग बुद्धि अभी नहीं हुई, संपूर्ण जब तक नहीं होगी तब तक तो आएगा राग, तब तक तो साधन भी जुटाएगा, तब तक तो कुछ करेगा ऐसा, है ना। देखो ज्ञानी पुरुष भी विवाह करते हैं, विवाह आदि करते हैं, शादी करते हैं, परंतु वे उस विवाह के राग को दुख रूप वे है ही मानते हैं। अभी एक बात याद आई, देखो ये लाइन पढ़ते ही याद आई मुझे, वो जम्बू स्वामी थे ना अंतिम केवली, चौथे काल पंचम काल लग गया था, लास्ट केवली थे वो बिल्कुल, है तो वो
कुछ हालांकि इस पे थोड़ा अपवाद है, कोई कुछ लोग कोई श्रीधर केवली को बोलते हैं, कोई जम्बू स्वामी को बोलते हैं, लेकिन ज्यादा मत जो है जम्बू स्वामी का है। जम्बू स्वामी मथुरा से मोक्ष गए थे, सबसे लास्ट वही थे, उसके बाद फिर कोई मोक्ष नहीं गया। तो जम्बू स्वामी, अब देखो काल का तो ऐसा ही प्रभाव है ना, काल एकदम पांचवा आरा शुरू हो चुका था लगभग, तो उनकी जो है विवाह का प्रस्ताव आया। अब वो शादी नहीं करना चाहते थे, अनासक्त थे बिल्कुल, लेकिन माता पिता बहुत कहने लगे देखो शादी कर लो, और उन्होंने कुछ ऐसी शर्त रख दी या कोई ऐसी परिस्थिति बनी कि उन्होंने कहा देखो आप नहीं मानते हो, दीक्षा तो मुझे लेनी है, दीक्षा मुझे लेनी है, लेकिन आप जिसके साथ मेरी शादी करोगे फिर उसकी जिंदगी और खराब हो जाएगी है, उनका होएगी तो हो जाएगी, वो हमारी टेंशन है, तुम शादी कर लो बस। तो ठीक है मैं शादी कर लूंगा, फिर अगले दिन दीक्षा लूंगा, चलेगा? कहा चलेगा। तो फिर क्या हुआ, माता पिता भी क्यों, उनको ये विश्वास था कि चार सुंदर सुंदर कन्याओं से शादी करेंगे और सब भूल जाएगा दीक्षा, कह रहा है ना आज कल दीक्षा लूंगा, अरे सब भूल जाएगा जाने दो एक बार। चार सुंदर सुंदर कन्याओं से उसकी शादी की, ठीक। अब वो जो है शादी के बाद में पूरी रात्रि जो है उनके साथ तत्व चर्चा करने लगे। जम्बू स्वामी चार अपनी पत्नियों के साथ में तत्व चर्चा शुरू की जोरदार, और ऐसी जोरदार तत्व चर्चा शुरू की कि उस रात उनके घर में चोर आ गया था। पहले के जमाने में ऐसा बहुत होता था कि किसी के घर में शादी हो ना तो लोगों को ये रहता है शायद कुछ माल ताल मिलेगा इधर, तो उसके घर में चोर आके छुप के बैठा था, तो वो भी वो तत्व चर्चा सुन रहा था कि अरे ये क्या बात चल रही है आत्मा की, अरे ऐसी कैसी वैराग की बात चल रही है, और उसको लगा अरे ये कहाँ मैं कहाँ, मैं तो महापापी, और एकदम उसकी आंखों के आगे एकदम पट्टी खुल गई, ऐसा लगता है पैरों तले जमीन खिसक गई। और फिर धीरे 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 ऐसा माहौल बना, रात के 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, वो चोर ने चोरी करना छोड़ दिया, उसको तत्काल जो है वैराग हो गया, 5 अनुव्रत ले लिए बिल्कुल, और सुबह होते होते चारों रानियां भी दीक्षा ले ली और जम्बू स्वामी भी दीक्षा ले ली, ऐसा माहौल होते यार। वो तो अकेले दीक्षा लेने जाने वाले थे और 5 आदमियों को ले गए, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो कहने का क्या अर्थ है कि ज्ञानी भी विवाह आदि करते हैं, परंतु वे उस राग के विवाह के राग को दुख रूप यही मानते हैं, यह विवाह तो राग रूपी रोग के इलाज के रूप में किया गया तात्कालिक उपाय है, अस्थायी इलाज है, पेट में खाना खाया इससे भूख लगेगी फिर खाना, तो उपाय भी परमानेंट नहीं है, कमजोर है। शांतिनाथ कुंठनाथ अरनाथ तीनों तीर्थंकर जन्म से, तीन ज्ञान के धारी, छाईक समय दृष्टि, तीनों चक्रवर्ती, तीनों कामदेव, तीनों तीर्थंकर भी बने हैं, परंतु उनकी उस राग में हे बुद्धि पूरे 6 खंड को जीत लिया, कुछ बाकी नहीं बचा। 6 खंड वाले में ना वो गंगा नदी और सिंधु नदी और वो जो है बीच में विजयार पर्वत के आर पार होकर जो पूरे 6 खंड को जीत लिया तीनों चक्रवर्ती, और वो जो वो विजयार पर्वत है कौन सा, नहीं वो कौन सा है, वृषभाचल पर्वत, उसके ऊपर अपना नाम लिख दिया कि हम चक्रवर्ती बन गए हैं। लेकिन फिर भी उनकी यही बुद्धि थी, वे राग के एक अंश को भी अपना नहीं मानते थे, मात्र राग रूपी रोग का उपचार करते थे, परंतु अज्ञानी को तो ज्ञानी केवल बाह्य उपभोग के साधन इकट्ठा करता दिखाई देता। जो अज्ञानी होता है ना उसको ये लगता है ज्ञानी के लिए क्या लगता है, अरे देखो ना कितना फरीक इकट्ठा कर रहा है, काय का ज्ञानी है, कुछ नहीं है ऐसा। तथा कहीं यदि शास्त्र में भी ऐसा लिखा मिल गया कि ज्ञानी वर्तमान में उपभोग के साधन इकट्ठे करता है, तो बस उसी बात को लेकर स्वयं उसे अपना कर्तव्य और उपाधेय मान लेता है। ये लाइन क्या काम की है समझना, देख क्या देखा कि ज्ञानी ऐसे होते हैं ज्ञानी, अच्छा ठीक है मैं भी ऐसा ज्ञानी बनूंगा, अब मैं भी परिग्रह इकट्ठा कर लूंगा, ऐसा मीनिंग निकाल लेते हैं। ठीक है ये पढ़ लेंगे आप ऐसा। वह यह नहीं समझता कि ये बात किस अपेक्षा से कही, तो ये समझ में आई बात, कितनी सूक्ष्म बात है ये, है ना। तो इस तरीके की बात आएगी, ये पूरा निर्जरा अधिकार है ना, निर्जरा और बंद अधिकार, तो ये बहुत जोरदार अधिकार है ना, बंद का असली कारण क्या है वो भी समझाएंगे। ठीक है आज की बात को यही विराम देते हैं, ठीक है, धन्यवाद, जय जिनेंद्र।